महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी के दल साथ मिलकर लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच शुरू से ही टकराव रहा है। पहले सीटों के बंटवारे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच लंबी खींचतान हुई और अंत तक सीटों का ऐलान नहीं किया जा सका। अब वोटिंग के दिन भी दोनों के बीच टेंशन देखने को मिल रही है। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने ऐसा यूटर्न मारा है जिससे उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इससे उद्धव ठाकरे काफी गुस्से में हैं और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया है। महाराष्ट्र की कई सीटें ऐसी हैं जहां उद्धव गुट और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच फ्रेंडली फाइट होती दिख रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सोलापुर और रामटेक जैसी विधानसभा सीटों पर है। वैसे तो महाविकास आघाड़ी में यह सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास गई है, कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन आखिरी वक्त पर देखने को मिला कि कांग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना के बजाय वहां खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी थी। इससे पूरी संभावना है कि उद्धव गुट के कैंडिडेट को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रामटेक सीट से उद्धव गुट ने विशाल बारबेटे को टिकट दिया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र मुल्क ने बगावत कर दी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने उद्धव गुट के कैंडिडेट की बजाय राजेंद्र मुल्क का समर्थन किया। उनके सांसद से लेकर तमाम नेता मुल्क का प्रचार करते नजर आए। आखिरी दिन भी वे साथ खड़े दिखे। इसी तरह सोलापुर साउथ सीट पर कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी का प्रचार करते दिखे, उनके लिए समर्थन मांगते दिखे। यहाँ भी उद्धव गुट के कैंडिडेट के लिए उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी है। शिंदे ने तो यह तक कहा कि कडाडी को कांग्रेस का आधिकारिक समर्थन मिला हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया। उद्धव गुट के नेता शरद कोहली ने कहा कि परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे कौन लोग हैं? ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को प्रमोट करते हैं अंदरखाने, इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। शिंदे परिवार को चुनौती देते हुए उद्धव गुट ने कहा, यह आपका आखिरी चुनाव होगा। शिवसैनिक यह ठान कर बैठे हैं कि आपको कहीं से भी सांसद नहीं बनने देंगे, क्योंकि आपने शिवसैनिकों की गर्दन काटने की कोशिश की है। कांग्रेस सावधान रहे। वहीं कांग्रेस ने सतर्क चाल चलते हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। अधिकांश एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। हालांकि कुछ पोल के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों और झारखंड की 38 सीटों पर एक दूसरे के लिए चरण का मतदान 20 नवंबर को संपन्न हुआ। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दल झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले झारखंड में सत्ता बरकरार रखने को लेकर अशान्वित है, जबकि कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को हराने के लिए कड़ी मेहनत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, हम ज्यादातर एग्जिट पोल को खारिज करते हैं, उनमें अक्सर हेरफेर किए जाते हैं। हम चुनावी नतीजों का इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। हम जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया और अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं, महायुति सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।